नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, केमिकल सेक्टर में आपको फार्मा सेक्टर से काफ़ी कम स्टॉक्स देखने मिलेंगे, लेकिन केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स है काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया है, काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो इन सारे स्टॉक्स को हम देखेंगे जो केमिकल सेक्टर के मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और जो आपको आगे भी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये सारी कंपनियों में मात्र एक दो कंपनी जो है वो मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी है, नहीं तो सारे के सारे स्मॉल कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी का पोटेंशियल तो आप जानते ही हैं, एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा है वो है आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर की सबसे टॉप कंपनी, मतलब सबसे जो बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है वो। ये हमने आपको कुछ महीने पहले, एक महीने पहले भी बताया था, जब ये देख सकते हैं 900 के आसपास था, कि आप इसमें 1100 तक के टारगेट के लिए जो है स्विंग ट्रेडिंग कहिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। ये 1100 तो छोड़िए, 1200 तक ये स्टॉक जा चुका है। 1200 तक अपना जो पहले का हाई था उस हाई के करीब देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो निश्चित है इसमें और ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म में ये पीछे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और आगे भी देगा। सिर्फ हम पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, पीछे मतलब इस कंपनी के चार्ट को देखने, कंपनी का चार्ट देखते हैं कितना सॉलिड है। ऐसा नहीं कि कभी कंपनी में बहुत बड़ा फॉल आया है, बहुत बड़ी गिरावट। आप देख सकते हैं 48,000% का रिटर्न दिया है 2001 से लेकर 2020 तक में, और ये कंपनी आगे भी आपको ऐसा मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो इस कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपना जो रिस्क है उसको ध्यान में रखना है, और किस लेवल पर आपको इन्वेस्ट करना है ये भी ध्यान रखना है। अभी आप देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें। अगर मार्केट में करेक्शन आता है ठीक, नहीं तो इसमें और तेज़ी आपको देखने मिल सकता है। अगर आप देखते हैं कि आगे और तेज़ी आएगा तो पहला इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गिरावट कभी भी मिलता है तो और उसमें SIP करते चलेंगे। तो इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर के सारी टॉप कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल सेक्टर के बारे में डिस्कस करने का मतलब ये सारे के सारे जो स्टॉक है, इसका अर्थ है कि आप देख लीजिए केमिकल सेक्टर के लगभग आधी कंपनियां मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लगभग आधी कंपनियां जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। जो भी कंपनियां लिस्टेड है उसमें से आधी कंपनियां इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कितना अच्छा सेक्टर है। और जो एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बात करेंगे कि अगर आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करना है तो किन किन सेक्टर के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो। आप देख लीजिए एल्काइल एमिन्स केमिकल्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अभी एल्काइल एमिन्स का आप रिटर्न देखिए तो लॉन्ग टर्म में कितना बेहतरीन रिटर्न है, 72,000% का, 72,000% का रिटर्न दिया। और यहाँ पर चार देखिए, इसका लॉन्ग टर्म चार लगातार अप ट्रेंड में है, ये कंपनी लगातार अप ट्रेंड में। तो ऐसे ही बेहतरीन कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, और एक दिन में देख लीजिए 13% अप है, एक दिन में 13% अप है। तो ऐसे ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगला स्टॉक है हमारा अतुल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। इसका भी अगर आप रिटर्न देखेंगे काफ़ी बेहतरीन, और आगे भी ये आपको बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है, 25,000% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये सारे के सारे, और आगे भी आपको ये बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये स्टॉक्स। इसलिए हम इस वीडियो में इन सारे स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी देखिएगा तो मिड कैप, स्मॉल कैप, एक आरती इंडस्ट्री जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स है, और वो निफ्टी का भी पार्ट बन चुका है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन में वो फ्यूचर ऑप्शन का भी पार्ट बनेगा। तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद बालाजी एमाइंस लिमिटेड, इस स्टॉक पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन ये भी स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया, एक एक दिन में देख सकते हैं 5% अप, एक एक दिन में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न देता हुआ मिलता है, एक दिन में 5% अप, और ये देख लीजिए लगातार अप ट्रेंड में है, और ये स्टॉक भी 41,000% का रिटर्न दे चुका है, और ये देख लीजिए यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है। ऐसे में अभी यहाँ पर और ज़्यादा मोमेंटम आपको आगे देखने मिल सकता है। अगर कभी भी आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है इसके वीकली चार्ट पर जो ट्रेडिंग व्यू है, जीरोधा है, वहाँ पर वीकली चार्ट पर देखें, जैसे ट्रेंड रिवर्सल होता है वीकली चार्ट पर आप एग्जिट कर जाएंगे। तो जो भी है पोजिशनल ट्रेडिंग हो, जो भी ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग हो, तो उसके लिए आपको
लगातार कंपनी के चार्ट पे ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी के साथ हम चल आ चुके हैं दूसरे मतलब अगले कंपनी पर, वो है फेयर केमिकल स्पेशलिटी लिमिटेड। दोस्तों इन सब कंपनी आपने कभी ध्यान भी उतना नहीं दिया होगा, लेकिन देखते हैं एक दिन में ये 17% डाउन है, तो 17% कभी अप भी होता है, तो ऐसे ऐसे बेहतरीन कंपनियां हैं। आप देखिए इसमें आपको हम दिखाते हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न दिया है। यहाँ से देख लीजिए आप 15,000% का रिटर्न एक दिन में, देख सकते हैं 17% डाउन भी होता है तो 17% अप भी होता है। लगातार देखते हैं इसका भी चार्ट काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन चार्ट है। थोड़ा सा गिरावट कभी भी आया है, लेकिन उतना ही मजबूती के साथ कंपनी यहां पर देखते हैं वापस जो है मोमेंटम गेन किया है। तो ऐसे बेहतरीन कंपनियों में ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इसमें जो हम बहुत सारे स्टॉक्स बता रहे हैं, आपको सारे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करनी है, इसके 2-3 स्टॉक आपको चुनना है जो अच्छे स्टॉक लगेंगे, उसके फंडामेंटल्स को देखना, उसके टेक्निकल चार्ट को देखना। यहां पर हम जो भी दिखा रहे हैं टेक्निकल चार्ट सबके काफी स्ट्रांग है, लेकिन आपको लेवल्स और टारगेट पता होना चाहिए किस लेवल्स पे आपको इंटर करना है और आगे फिर जाकर कितने दिनों तक इन्वेस्ट करना, ये सारी प्लानिंग आपको बनाना है। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक है ज्योति रिसाइन एंड एडहेसिव लिमिटेड। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये देख लीजिए ये 95 में भी ये स्टॉक्स जो है एक बार देखते हैं 95-96 में भी ये स्टॉक्स 165-200 के प्राइस पर हुआ करता था, वहाँ से गिरावट आया, लगातार गिरावट आया। और अगर आप 2000 ईस्वी के बाद कभी भी इन्वेस्ट किए रहते, मान लेते हैं 2003 में, 2002 में, 2001 में कभी भी इन्वेस्ट किए रहते, तो मात्र देखते हैं 50 पैसे का, 1 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। अगर उस समय इन्वेस्ट करते तो देख लेते हैं कितना आपको रिटर्न अभी प्राप्त होता। तो यहाँ से आप देख लीजिए 18,000% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। अभी ये कंपनी देखते हैं अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है और काफ़ी मोमेंटम इसमें आपको देखने मिल सकता है। 10-10% देखते हैं, 10% एक दिन में तेजी है इसमें। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगला है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर। यहाँ पर देख लीजिए 12,000% का रिटर्न, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। उसी तरह से अगला स्टॉक है हमारा पुषक लिमिटेड। पुषक तो जो भी हो थोड़ा प्रेशर में मिस्टेक हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट करते देखते हैं पहले 2006 में 304 रुपीज़ का स्टॉक था, काफ़ी महंगा था, और आगे चलते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी सस्ता हो गया था। 2009 के गिरावट में ये स्टॉक्स काफ़ी सस्ता हो चुका था, देखते हैं 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ तक का ये स्टॉक्स हो चुका था। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप 40 रुपीज़ या उसके ऊपर इन्वेस्ट किए होते तो आपको रिटर्न मिलता 9,000% का रिटर्न। चार्ट देखने कितना सॉलिड है, चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। तो इस तरह के बेहतरीन कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब ये आपने देखा 2009 से लेके अभी तक में मात्र ये 9,000% से अधिक का रिटर्न दे चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। ऐसे बेहतरीन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चार्ट कितना सॉलिड है देखते हैं, कभी भी थोड़ा सा गिरावट आया लेकिन जो मतलब फिर से मोमेंटम पकड़ा तो उस हाई से भी ऊपर चला गया ये स्टॉक। अगला है हमारा विनीति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। इसका भी चार्ट आप देख लीजिए लॉन्ग टर्म चार्ट कितना बेहतरीन है। अगर आप इसमें भी 2000 ईस्वी में इन्वेस्ट किए होते या 2001-2002 कभी भी इन्वेस्ट करते, यहां से देख लीजिए रिटर्न 62,000% का रिटर्न। दोस्तों ऐसे बेहतरीन सब रिटर्न मिले हैं इस स्टॉक में। जिन्होंने भी स्पेशलिटी केमिकल्स में 1-2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया तो वो आज माला माल हो चुके हैं और आगे भी ये आपको माला माल करेंगे। जैसे हमने पीछे 1-2 दिन पहले आपको दिया था, कल ही शायद दिया था, ब्लैक रोज इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है जो कि एक पैनी स्टॉक था। पैनी स्टॉक से एक मल्टी बैगर स्टॉक बना है, पैनी स्टॉक से एक मल्टी बैगर स्टॉक, समझ सकते हैं इतना बेहतरीन कंपनी। ये देख सकते हैं 78 पैसे स्टॉक था 97 में, आगे चलते हैं 2005 में, 2003 में देखते हैं 43 पैसा का स्टॉक था। 43 पैसा मतलब एक बार बोनस दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 43 को, तो 1.20 रुपीज़ का शेयर अभी हो चुका है 141। साथ साथ एक बार आपको बोनस भी दिया है ये कंपनी, एक बार बोनस भी है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना परसेंट का रिटर्न है, 32,000% का रिटर्न। बोनस देने से क्या होता है, अगर आपने 1,000 शेयर इसका बाय किया था, 1,000 बोनस शेयर मिल गया तो आप 1,000 शेयर का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने 1 रुपया पर खरीदा था, 141 पर आप बेच देते हैं तो आपने जो आधा प्रॉफिट ले लिया, साथ साथ आप जितना इन्वेस्ट किए थे, जितना शेयर बाय किए थे उतना शेयर अभी भी आपके पास है।
तो इस तरह से बोनस शेयर का फायदा होता है कि आपको अधिक शेयर मिलता है तो आप उसमें से कुछ शेयर प्रॉफिट के रूप में बुक कर सकते हैं। तो ये होता है बोनस का बेनिफिट्स। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बोनस काफ़ी आपको फायदा करता है। स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, साथ साथ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं कुछ उसमें। उसके बाद अगला है स्टॉक SRF। ये भी एक पायनियर स्टॉक से मल्टीबैगर स्टॉक बना है। ये भी देख लीजिए 1999 में ये कितना था, 1.50 रुपीज़। इसमें बोनस एक बार मिला होगा या नहीं भी मिला होगा, तो एक बार बोनस शायद मिला है, वो भी शायद इस रेंज से बाहर है, 99 से पहले ही मिला है। तो मात्र समझ सकते हैं 1999 में कोई इन्वेस्ट किया होता 1.50 रुपीज़ का स्टॉक। अभी आप देख लीजिए कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 285,000% का रिटर्न, 285,000% का रिटर्न। आप पूरे स्टॉक मार्केट में खोज लीजिए, इतना बड़ा रिटर्न कोई नहीं दिया है, बजाज फाइनेंस हो या कोई भी स्टॉक हो। आप जानते होंगे कि टाइटन दिया है, लुपिन दिया है, सिप्ला दिया है, लेकिन लुपिन, सिप्ला, टाइटन, बजाज फाइनेंस सबका बाप है ये स्टॉक। बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम रिटर्न कितना है, 100,000%, और इस स्टॉक का रिटर्न कितना है, यहाँ पर 99 में कोई इन्वेस्ट किया होता तो आप देख लीजिए यहाँ पर 285,000% का रिटर्न। तो दोस्तों इतना बेहतरीन रिटर्न, अगर आप 10,000 रुपया सिर्फ इन्वेस्ट किए होते इस स्टॉक में, तो आपका जो रिटर्न अभी मिलता वो मिलता 2,85,00,000। तो दोस्तों ये है स्टॉक मार्केट का मैजिक फार्मूला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर कोई यहाँ पर मान लेते 99 में काफ़ी मतलब ये पायनियर स्टॉक था, वहाँ पर इन्वेस्ट ना करके कोई बाद में स्टॉक 2002 में भी इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ से रिटर्न देख लेते हैं तो 30,000% का रिटर्न, तो यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। तो जब ये पायनियर स्टॉक से मल्टीप्लायर बना, कोई पायनियर स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, तो जब पायनियर स्टॉक होता तो कम ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी कम लोग ही बेनिफिट्स ले पाए होंगे, लेकिन उसके बाद भी ये 30,000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा PI इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और SRF, जो SRF है ये सिर्फ केमिकल स्टॉक नहीं है, ये मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है, काफ़ी डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस। और PI इंडस्ट्री इसका भी बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई है, ये दोनों कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कई सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। आप देख लीजिए ये हमारा जो PI इंडस्ट्री है ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक था। ये देख लीजिए यहाँ पर दिया है कितना का, 4,40,000% का रिटर्न। ये तो SRF का भी बाप है, 4,40,000% का रिटर्न, ये SRF का भी बाप है। तो समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट में आप जो बजाज फाइनेंस, लुपिन, टाइटन ये सब जानते हैं, उससे भी बड़ा रिटर्न देने वाली ये स्टॉक है। लेकिन ये 45 पैसा के स्टॉक देख रहे हैं, लेकिन ये 45 का नहीं था, क्योंकि ये कई बार बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर को और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। तो ये स्टॉक जो है पैनी शेयर नहीं था, इस स्टॉक का प्राइस जो काफ़ी अप था, लेकिन एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो कि केमिकल सेक्टर से है, और PI इंडस्ट्री, SRF ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। तो ये सारे स्टॉक्स जो है काफ़ी बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।